सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे सुधार कर सकते हैं घर बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। यदि आपके राशन कार्ड में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया है, उसमें नया नाम जोड़ना है या किसी का नाम उसमें से छांटना है या आधार नंबर गलत हो गया है या उसमें नाम में किसी प्रकार का मिस्टेक है या आपका एड्रेस गलत हो गया है, तो आप कैसे सुधार करा सकते हैं घर बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो यदि आपको भी ये सब सुधार करना है, यदि आपके पास भी राशन कार्ड है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे घर बैठे न्यू राशन कार्ड में आप अपना नाम जोड़ सकते हैं या उसमें कोई भी करप्शन करा सकते हैं। यदि आपका बहुत सारे रेयर केस में क्या होता है, किसी का राशन कार्ड में नाम ही गलत हो जाता है, किसी का आधार कार्ड गलत होता है, किसी का एड्रेस ही गलत हो जाता है, किसी का डीलर राशन देता ही नहीं, किसी का माने कर आपके घर में 10 आदमी हैं, उनके मतलब 5 ही आदमी का राशन मिलता है। तो इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप उसे कैसे सुधार करा सकते हैं। अगर नाम छोटा है तो आप न्यू नेम को कैसे उसमें ऐड करा सकते हैं। यदि किसी प्रकार के दिक्कत हो तो आज की इस वीडियो को देख लीजिए। आप यह वीडियो अगर देख लेते हैं तो दूसरे वीडियो कोई देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके 100% राशन कार्ड सुधर जाएगा और 1 से 2 दिन आपका न्यू राशन कार्ड बन जाएगा और उस पर अपना अपना राशन उठा सकते हैं एक न्यू नाम जोड़कर भी, ठीक है। तो राशन कार्ड सुधार करने के लिए सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पर सिंपल सा क्या टाइप करना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर EPOS टाइप करना है, ठीक है। EPOS यहाँ पर EPOS टाइप करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर खाद्य विभाग, जो बिहार राज्य के खाद्य उपभोक्ता विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड के पूरा डिटेल इसी से जाना जाता है, जैसे किसको राशन मिला, किसको कितना मिला, ये सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट से, ठीक है। तो आप यदि आप अपने राशन कार्ड में सुधार करवाना चाहते हैं, सुधार कराने के लिए सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना कोई भी राशन कार्ड में किसी प्रकार का करप्शन हो, यहाँ से आप सुधार करा सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके जरिए 2 से 3 दिन में आपका राशन कार्ड जरूर सुधर जाएगा। यदि नहीं सुधरेगा तो आप नीचे कमेंट बता दीजिएगा कि मेरा नहीं सुधरा है। मैं खुद इस पर ट्राई किया हूँ, मेरा सुधर गया, मेरा न्यू नाम ऐड हो गया, तभी यह वीडियो बना रहे, नहीं तो मैं वीडियो यह नहीं बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टाइप चूज करना है कि आपका क्या इशू है, ठीक है। जैसे कि मानिए कि आपका कार्ड इशू है, जैसे कार्ड इशू है, जैसे नाम हम सुधारना है तो कार्ड इशू है, डीलर इशू है, ठीक है। डीलर इशू का मतलब क्या होता है कि आपका डीलर राशन देने से इनकार कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बैंक रिलेटेड इशू है, बहुत लोग का क्या होता है उसमें बैंक में जो 1000 रुपये नहीं आए तो यहाँ से आप उन लोग कंप्लेन कर सकते हैं। या लोकेशन इशू है, या आपका नाम जगह वो कहीं गलत हो गया तो लोकेशन यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अदर है, यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स है, लेकिन सबके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम सिंपल सा बात करेंगे कार्ड इशू पर। कार्ड इशू आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो बिहार में आप अपना एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें आपका विलेज सेलेक्ट कर लेना है कि आपका विलेज कौन सा है, यहाँ पर मैं विलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो आपको क्या कैटेगरी है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, राशन कार्ड के जो करप्शन कराना है, सुधार करना है, उसमें क्या ऐड न्यू नाम यानी उसमें नाम जोड़ना है। यहाँ पर कार्ड नॉट इशू, यहाँ पर किसी कार्ड पर राशन नहीं मिलता तो यहाँ से आप कर सकते हैं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन कार्ड, ठीक है। यदि आपका एड्रेस गलत होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नाम मिसिंग इन कार्ड, यदि कार्ड में आपका नाम मिस हो जाता है, उस कार्ड से आपका नाम नहीं मिलता है, मतलब राशन नहीं मिलता, तो यहाँ से कर सकते हैं। नाम नॉट इन लिस्ट, मतलब क्या होता है, बहुत लोग का 5 आदमी का नाम होता है और उसमें आपको 2 ही आदमी का राशन मिलता है, ठीक है। डीलर 2 ही आदमी का नाम राशन देता है, उसे यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू नाम जोड़ने के लिए बताऊँगा कि आप न्यू नाम कैसे ऐड कर सकते हैं। यदि आपका और दूसरा इशू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड इशू पर आपको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देख नहीं, यहाँ पर कार्ड इशू पर नहीं, यहाँ पर ऐड नाम पर, यहाँ पर ऐड न्यू नेम, यहाँ पर ऐड नाम इन कार्ड, कार्ड में नाम जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करना, आप किस आपका क्या नाम है, नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, आपको किस ब्लॉक से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज आपके सामने आ जाएगा, विलेज अभी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है, ठीक है। आप में हो जाएगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना पंचायत सेलेक्ट करना, आप किस पंचायत से, ठीक है। यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर विलेज भी आ गया, ठीक है। पहले यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर विलेज डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा डालिएगा,
ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है जो भाई मेरे घर में, देखिए मेरे घर में 10 आदमी है, उसमें से आपको 5 आदमी का नाम नहीं ऐड है, उनका ये नाम है जैसे कि मैंने श्याम नाम है और मेरा वो बेटा है, पोता है, पोती या जो भी आपका हो, यहाँ पर आप उसके विवरण में लिख सकते हैं। और आपको ये भी लिख सकते हैं कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं, मैं प्रवासी हूँ, या बहुत कुछ आप अपने रिक्वेस्ट से आप इसमें डाल करके अपना सुधार करा लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपके हो सके। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक अपना आधार कार्ड के फोटो कॉपी यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसका PDF फाइल बनाकर यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उस व्यक्ति जिस व्यक्ति का आप नाम जोड़ना चाहते हो उसका यहाँ पर कुछ वंशावली बनाकर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना राशन कार्ड मतलब डाल दीजिएगा जिससे कि उनको पता चले कि भाई इसमें नाम न्यू जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही कि आपका 100% रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जब आपका 100% रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप एक दो दिन बाद अपना यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप अपना राशन कार्ड नंबर से चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड में न्यू नाम जुड़ा है कि नहीं, आपका एड्रेस सही हुआ है कि नहीं। सेम इसी प्रकार से आप न्यू एड्रेस भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जब आपका एक दो दिन बाद आप यहाँ पर ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर आप चेक कीजिएगा स्टेटस। तो सिंपल से स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं RC डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर चेंजिंग किया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। RC डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर RC डिटेल है, एक RC डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल करके यहाँ से सबमिट करके आप यहाँ से अपना राशन कार्ड में देख सकते हैं कि आपका जो राशन कार्ड में न्यू नाम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और इतना मैं वीडियो बना रहा हूँ लंबा चौड़ा वीडियो, में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड, आपको यह वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमारे बीच बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और मोटिवेशन होता है और मुझे और वीडियो बनाने के लिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ललक होती है, ठीक है। तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहे जय माता दी, जय वंदे मातरम, जय हिंद।